हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हम ग्रामीण विकास की हमारी वीडियो सीरीज चल रही थी, उसमें हमने पिछली क्लास में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को कवर किया था। उसका कुछ पार्ट बचा हुआ था, उसको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। यानी रूर्बन मिशन से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट डाटा है और गवर्नमेंट को रूर्बन मिशन के तहत क्या क्या पुरस्कार मिला है वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। साथ ही साथ एक अन्य योजना आम आदमी बीमा योजना, ये हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। पिछले बार आम आदमी बीमा योजना से जो है पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो और इससे रिलेटेड आप एक योजना पहले भी पढ़ चुके हैं, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना, वो भी सेम टाइप की योजना है। दोनों में क्या अंतर है उसको भी मैं आपको यहां पर समझाते हुए चलूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत अगला पॉइंट। तो सबसे पहले MIS प्रगति। MIS का मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आई इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी सीधी सी बात है, ये एक MIS प्रगति जो है यानी एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक पोर्टल है। उस पोर्टल में क्या किया जाएगा, इस जो भी क्लस्टर का चयन किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत, पूरे देश में जो है 300 क्लस्टर का चयन है, तीन चरणों में बांट के 100-100 टोटल 300 क्लस्टर का चयन है और छत्तीसगढ़ में टोटल 19 क्लस्टर का चयन है। तो छत्तीसगढ़ ने जो MIS पोर्टल है यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल है, उसमें सबसे तेज अपने सभी क्लस्टरों की जानकारी प्रोवाइड की है और अपने सभी क्लस्टर की जो भी जानकारी है यहां पर प्रोवाइड करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। तो याद रखें, चयनित सभी क्लस्टर की संपूर्ण जानकारी MIS पोर्टल पर एंट्री की जा चुकी है, ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। तो याद रखें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत जो 19 क्लस्टर का चयन किया गया है विभिन्न तीन चरणों में, तो उसके में छत्तीसगढ़ जो ऐसा पहला राज्य जिसने अपने सभी क्लस्टर का चयन करके उसकी पूर्ण जानकारी जो है MIS पोर्टल में बता दी गई है, यानी उसमें पुट कर दिया गया पूरा डेटा। और साथ ही साथ जो रूर्बन मिशन के तहत जो भी क्लस्टर के भीतर जो भी पैसे दिए जा रहे हैं काम को बढ़ाने के लिए, जो 14 घटक बताए थे, उन 14 घटकों की पूर्ति के लिए, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था जो फंड का गैप आता है उसके लिए जो है यहाँ पर FTO के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, फंड ट्रांसफर ऑर्डर के माध्यम से। FTO हमने पहले भी NRLM में पढ़ा हुआ है। अगला हम देखते हैं कि देखिये, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत 19 क्लस्टर का चयन किया गया है, लेकिन उसमें से एक क्लस्टर में संपूर्ण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, यानी उसकी कार्य योजना भी तैयार नहीं हुई है। बाकी जो 18 क्लस्टर है उसकी कार्य योजना पूरी तरीके से तैयार हो गई और उन पर काम चालू हो चुका है। तो यहाँ पर जो 18 रूर्बन क्लस्टर में हो रहे कार्यों को हम देख लेते हैं, केवल एक क्लस्टर को छोड़कर। तो 19 में से जो 18 क्लस्टर है, मैंने पिछली क्लास में पूरे 19 क्लस्टर कौन कौन से मैंने पूरा डाटा आपको बताया है, पूरा नाम बताया है, कौन सा जनजाति क्लस्टर है, कौन सा गैर जनजाति क्लस्टर है, पूरा एक एक चीज बताया है। तो उसमें आपको मैं बताया था कि जो 19 क्लस्टर में से 18 क्लस्टर में जो है काम चल रहा है और एक क्लस्टर के अभी कार्य योजना तैयार नहीं हुई है। तो ये 18 रूर्बन क्लस्टर में जो हो रहे कार्य है वो देख लेते हैं। सभी खुले में शौच मुक्त हो गए हैं, 14 घटकों में एक घटक स्वच्छता भी थी। तो ये 18 क्लस्टर, 19 में से 18 क्लस्टर जो एक क्लस्टर की कार्य योजना नहीं बनी उसको छोड़कर बाकी 18 क्लस्टर जो है वो खुले से शौच मुक्त हो चुके हैं, ODF बन चुके हैं। 18 क्लस्टर के 110 ग्राम पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य प्रारंभ हो चुका है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो प्रारंभ हो चुका है। कुल 16,702 पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत हुए हैं, क्योंकि इसमें जो है इस 14 घटक में से जो है इसमें से एक आवास प्रोवाइड कराना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो यहाँ पर टोटल जो 18 क्लस्टर थे हमारे जिसमें कार्य योजना बनी है उसके तहत 16,702 लोगों को पात्र पाया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत और उनके लिए आवास की स्वीकृति दी गई, जिसमें से 15,377 आवास बन चुके हैं। अगला
कुल लक्षित 66,797 लाभार्थियों में से, यानी टोटल लक्ष्य रखा गया कितना, 66,797 लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने का। डिजिटल साक्षर कहने का मतलब यह है कि वो मोबाइल चला सके, मोबाइल से जो काम कर सकते उसको ज्ञान को प्राप्त कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोबाइल चलाने वाले लोग हैं उनको, मतलब यहाँ पर उनको शिक्षित किया जा रहा था कि आपको किस तरीके से मोबाइल का चालन करना है। तो 66,797 लोगों का चयन किया गया कि इनको जो है यहाँ पर लक्ष्य रखा गया कि इतने को हम डिजिटल साक्षर बनाएंगे, जिसमें से 53,630 लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया जा चुका है। अगला है, यहाँ पर देख लेते हैं उज्ज्वला योजना से रिलेटेड। उज्ज्वला योजना किससे, गैस कनेक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ लक्ष्य रखा गया कि 47,002 लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है गैस कनेक्शन दिया जाएगा 18 क्लस्टर में, जिसमें से 45,579 लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। अगला है, सभी रूर्बन क्लस्टर में सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। जितने भी जो हमारे 19 में से जो 18 क्लस्टर की हम बात कर रहे हैं उनमें सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये है प्रगति, इन 18 रूर्बन क्लस्टर में क्या क्या अभी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाना चालू कर दी गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की उपलब्धि, यानी आपका जो रूर्बन मिशन है उसके तहत छत्तीसगढ़ ने क्या उपलब्धि पूरे देश भर में पाई है वो देख लेते हैं। तो 19 दिसंबर 2019 राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह, देखिए जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने 19 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया, जिसके तहत रूर्बन मिशन के अंतर्गत जितने भी राज्य काम कर रहे हैं उनकी रैंकिंग निकाली गई। तो उस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को पहला रैंक प्राप्त हुआ और छत्तीसगढ़ को इस समारोह में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत पुरस्कार मिला, क्लियर है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में रैंकिंग निकली रूर्बन मिशन के अंतर्गत और इसके इसमें छत्तीसगढ़ को पहला रैंक मिला। देश के चयनित 75 उत्कृष्ट क्लस्टर में छत्तीसगढ़ के 13 रूर्बन क्लस्टर शामिल है। पूरे देश भर में से जो 75 क्लस्टर जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, 75 क्लस्टर जो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के जो है 13 रूर्बन क्लस्टर शामिल है। यानी छत्तीसगढ़ के जो 19 रूर्बन क्लस्टर है उसमें से 13 क्लस्टर को, मतलब टॉप 75, पूरे देश के जो 300 क्लस्टर का चयन किया गया उसमें से टॉप 75 क्लस्टर निकाले गए, तो उसमें छत्तीसगढ़ के 13 क्लस्टर शामिल हो रहे हैं, क्लियर है। तो रूर्बन मिशन के तहत भारत सरकार ने 3 चरणों में 300 टोटल क्लस्टर का लक्ष्य रखा, यानी 300 क्लस्टर की परमिशन दी, उसमें से टॉप 75 क्लस्टर निकाले गए, तो छत्तीसगढ़ के उसमें 13 रूर्बन क्लस्टर शामिल है, क्लियर है। अगला देखते हैं, रूर्बन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ को प्राप्त पुरस्कार, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ को क्या क्या पुरस्कार मिला है। 2016-17 की बात करें हम, तो 2016-17 में पूर्वी राज्यों में मिशन क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, तो जब पूर्वी राज्य का एक, जैसे अपन बांट देते हैं पूर्वी राज्य, पश्चिमी राज्य, उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य, तो छत्तीसगढ़ उसमें पूर्वी राज्य के अंतर्गत शामिल था और पूर्वी राज्यों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है इस योजना के अंतर्गत 2016-17 में, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट पूर्वी राज्यों में। 2017-18 में देश में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, यहां पर केवल पूर्वी राज्यों में छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला था, लेकिन 2017-18 में पूरे देश में, हमारे पूरे भारत में सबसे अच्छा इस मिशन के अंतर्गत काम करने वाला जो स्टेट था वो था छत्तीसगढ़, यानी पहले नंबर पे। अगला है 2018-19 में छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मिला पूरे देश में, यानी फर्स्ट नंबर पे छत्तीसगढ़ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है और दूसरा पहला एफटीओ जारी करने वाला राज्य। जैसे कि मैंने बताया एमआईएस में डाटा भी छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले पुट किया और एफटीओ फंड ट्रांसफर ऑर्डर भी छत्तीसगढ़ देने में नंबर वन है, ठीक है। तो 2018-19 में दो अवार्ड मिले छत्तीसगढ़ को, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का देश में और पहला एफटीओ जारी करने वाला राज्य भी छत्तीसगढ़ है, क्लियर है। अगला देखते हैं, यहाँ पर आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन पूरा कवर हो गया है। अब हम देखते हैं आम आदमी बीमा योजना। देखिए आम आदमी बीमा योजना जो है
अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना के समान ही है, लेकिन यहाँ पर दो थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे कि पहला अंतर आपका यहाँ पे आता है कि जो आम आदमी बीमा योजना है ये भूमिहीन मजदूरों के लिए है, और अटल खेतिहर मजदूर योजना जो खेत में काम करने वाले मजदूर है वो उनके लिए थी। तो ये अंतर है, बाकी आप राशि देखेंगे लगभग एक ही टाइप की राशियां हैं। तो भारत सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम के सहयोग से ग्रामीण भूमिहीन परिवार के लिए ये योजना लाई गई है, जबकि अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना जो हमारे खेत में जो कृषक काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उनके लिए थी। तो भारत सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम यानी LIC के सहयोग से ग्रामीण भूमिहीन परिवार के लिए आम आदमी बीमा योजना लाई गई है। यह छत्तीसगढ़ में 1 फरवरी 2009 से लागू है। तो आम आदमी बीमा योजना 1 फरवरी 2009 से छत्तीसगढ़ में लागू है। अगर हम इसके प्रीमियम राशि की बात करें तो प्रति वर्ष 200 रुपए प्रीमियम राशि के रूप में LIC को दिया जाता है, यानी 200 रुपए में केंद्र सरकार 100 रुपए देती, राज्य सरकार 100 रुपए देती बीमा करने के लिए उस मजदूर का, ठीक है, जो भूमिहीन मजदूर है उनका बीमा करने के लिए, ग्रामीण भूमिहीन जो मजदूर है या परिवार है उनका बीमा करने के लिए जो है उस परिवार के किसी एक सदस्य का, यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष 200 रुपए राज्य सरकार 100 रुपए केंद्र सरकार 100 रुपए दोनों मिला लीजिए 200 रुपए प्रतिवर्ष यहाँ पर प्रीमियम राशि गवर्नमेंट देती है LIC को। हितग्राही द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी 200 रुपए प्रति वर्ष, यहाँ पर याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, ये प्रति वर्ष है, कोई कोई प्रति माह समझ लेते हैं, ये प्रति वर्ष है 200 रुपए, और कोई जो हितग्राही यानी जिसका बीमा किया जा रहा है वो कोई राशि नहीं देगा LIC को, उसका बीमा करने की संपूर्ण जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। 200 रुपए का बीमा होता है प्रतिवर्ष, 200 रुपए जो है बीमा राशि दी जाती प्रीमियम के रूप में, जिसमें हिस्सेदारी केंद्र की 100 रुपए है, राज्य की 100 रुपए। आगे देखते हैं पात्रता, यानी आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत पात्र कौन कौन है। पहला, सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का प्रमुख या परिवार का रोजगार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, यानी पहले पात्रता ही यही है कि जो सदस्य जिसका बीमा किया जाना है वो भूमिहीन परिवार हो, उनके पास कोई भी भूमि ना हो, ठीक है। साथ ही साथ उसके उस या जो परिवार का रोजगार करने वाला व्यक्ति है उसके पास भी कोई भूमि हो, यानी या तो पूरा परिवार ही भूमिहीन हो, जो परिवार का मुखिया जो है वो भूमिहीन हो, या जो रोजगार प्राप्त कर रहा है उस परिवार में से वो भूमिहीन हो, तब वो पात्र होगा, ठीक है। तो याद रखिए, पहली पात्रता है सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का प्रमुख होना चाहिए, यानी जो भूमिहीन परिवार है उसका प्रमुख के नाम पर बीमा हो सकता है, या अगर कोई व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त कर रहा है उसके नाम पर भी बीमा हो सकता है, यानी परिवार का रोजगार करने वाला व्यक्ति के नाम पर भी ये बीमा हो सकता है। अगला, सदस्य की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है क्वेश्चन, शायद यही पूछा भी गया था। सदस्य की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी 18 से 59 वर्ष, ठीक है। अगला पॉइंट, सदस्य BPL सर्वे के तहत चिन्हांकित परिवार का सदस्य होना चाहिए, ठीक है, यानी सदस्य जो BPL सर्वे किया गया था उसमें उसका नाम होना चाहिए, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला देखते हैं हित लाभ क्या मिलेगा। हित लाभ मिलेगा अगर कोई व्यक्ति जिसका बीमा किया गया है अगर उसकी मृत्यु हो जाती, सामान्य मृत्यु होती है, तो 30,000 रुपए की राशि मिलेगी, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, ये अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में भी लागू है। देखिए यहाँ पर जो पात्रता बताई गई है वो 18 से 59 वर्ष की है, तो अगर कोई व्यक्ति जो मर रहा है यानी जिसकी मृत्यु हो रही है अगर उसकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच ही है, यानी जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है उसकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अगर 18 से 59 वर्ष आयु के बीच में ही अगर उसकी मृत्यु हो रही है और उसका बीमा था तभी ये 30,000 रुपए की राशि मिलेगी। ऐसा नहीं कि अगर जो व्यक्ति मान लीजिए जिसका बीमा 50 साल की उम्र में था तब हुआ, अगर उसकी मृत्यु 60 वर्ष की उम्र में हो रही है तो उसको राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि पात्रता केवल 59 वर्ष तक के लिए है, ठीक है। यानी बीमा करने की आयु 18 से 59 है और बीमा का लाभ जो मिलेगा वो भी 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच में ही मिलेगा, ये चीज याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि जिसका बीमा हुआ है वो 18 से 59 वर्ष की आयु में बीमा हो गया लेकिन वो व्यक्ति 65 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो रही है तो बीमा की राशि के लिए वो पात्र नहीं है, याद रखिएगा।
केवल इस एज में, इस जो वर्ग बताया है मैंने 18 से 59 वर्ग, अगर उस एज वर्ग में ही उसका बीमा भी हुआ और उसकी मृत्यु भी हुई है तभी वो राशि मिलेगी। तो बीमा अवधि खत्म होने से पूर्व सदस्य की मृत्यु तो 30,000 रुपए की राशि दी जाएगी। क्लियर है। अगला पॉइंट दुर्घटना बीमा। दुर्घटना बीमा यहाँ पे सामान्य मृत्यु हो रही थी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में ही है और उसकी मृत्यु दुर्घटना से हो जा रही है यानी एक्सीडेंट से हो रही है तो 75,000 रुपए की राशि। सामान्य मृत्यु मर रहे तो 30,000, दुर्घटना से मृत्यु हो रही है तो 75,000। स्थायी पूर्ण अपंगता। स्थायी पूर्ण अपंगता मतलब, कहने का मतलब है कि उसका शरीर का कोई एक अंग पूर्ण रूप से काम करना बंद कर ले। यहां पर आपको याद रखना यह जरूरी है, कहीं आप डाउट ना करें, क्योंकि अटल खेतिहर में मैंने इसको पूरा बताया था, लेकिन मैंने सिर्फ यही बोला था कि जो उसका अगर शरीर का कोई अंग पूर्ण रूप से काम करना बंद कर दे। तो कई लोग मेरे से ये भी डाउट पूछे थे, मैंने व्हाट्सएप में उनको क्लियर भी किया था कि देखिए कोई अंग पूर्ण रूप से काम करना बंद कर दे, कहने का मतलब यहां पर यह होता है जैसे मेरा हाथ है, अगर मेरा दोनों हाथ काम करना बंद करेगा तभी उसको पूर्ण अपंगता बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं कि उसका एक हाथ काम करना बंद कर दिया तो उसको पूर्ण अपंगता बोलेंगे, ठीक है। दोनों हाथ अगर मेरा काम करना बंद कर दिया तो उसको पूर्ण अपंगता बोलेंगे, लेकिन अगर एक हाथ काम करना मेरा बंद कर दिया तो उसको अस्थायी अपंगता बोलेंगे, याद रखिए, ठीक है। यानी आंशिक अपंगता, पूर्ण अपंगता जब मेरे शरीर का कोई हिस्सा पूर्ण रूप से काम करना बंद कर दे। यहां दोनों हाथ मेरा एक यूनिट कहलाएगा, याद रखिए, अगर ये हाथ दोनों काम करना बंद कर दे तो इसको बोलेंगे पूर्ण अपंगता, लेकिन मेरा एक ही हाथ काम करना बंद करे तो इसको बोलेंगे आंशिक अपंगता। तो याद रखिए स्थायी पूर्ण अपंगता यानी शरीर का कोई अंग पूर्ण रूप से काम करना बंद कर दे, चाहे वो हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे आंख हो, ठीक है। तो अगर वो आंख में भी दो आंख, पैर में दोनों पैर, हाथ में दोनों हाथ अगर पूर्ण रूप से काम करना बंद कर दे तो इसको बोलेंगे 75,000 रुपए स्थायी अपंगता और उसको 75,000 रुपए की राशि मिलेगी। यदि दुर्घटना में एक हाथ, एक पांव या एक हाथ काम करना बंद कर दे, ठीक है, यानी ये हो गई आंशिक अपंगता, तो इसमें 37,500 रुपए मिलेगा। क्लियर है अब चीज पूरी। तो इसको याद रखिएगा, राशि 30,000 रुपए सामान्य मृत्यु में, मृत्यु और दुर्घटना से 75,000, स्थायी पूर्ण अपंगता 75,000, एक आंख एक पांव एक हाथ यानी आंशिक अपंगता उसके लिए 37,500 रुपए। अब देखते हैं अगला पॉइंट शिक्षा वृत्ति। शिक्षा वृत्ति में यहां पर यह पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति जो इस योजना के पात्र है उसके परिवार के कोई दो बच्चे अगर 9वीं से 12वीं के बीच में पढ़ रहे हैं तो उनको 100 रुपए पर माह शिक्षा वृत्ति दी जाएगी। क्लियर है। यानी अगर कोई परिवार, अगर कोई व्यक्ति जिसका बीमा इस योजना के अंतर्गत हुआ है और उसके बच्चे जो है जिनकी संख्या मैक्सिमम 2 हो सकती है, 3 बच्चे हुए तो पात्र केवल 2 ही होंगे, तीसरा बच्चा नहीं होगा, तो इनमें से कोई भी 2 बच्चे पात्र हैं अगर वो 9वीं से 12वीं के बीच में पढ़ रहे हैं, और अगर वो 9वीं से 12वीं के बीच में पढ़ रहे हैं तो उनको जो है 100 रुपए प्रतिमा शिक्षा वृत्ति दी जाएगी या छात्रवृत्ति दी जाएगी 100 रुपए प्रतिमा। तो याद रखिएगा इसमें आईटीआई वाला पॉइंट नहीं है जो अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में था कि आईटीआई में पढ़ रहे हैं तो भी 100 रुपए मिल रहा था, वैसा वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है, जितना भी रुपए मिल रहा था वैसा पॉइंट यहाँ पर नहीं है। तो याद रखिएगा केवल 9वीं से 12वीं वाला है, मैक्सिमम 2 बच्चे हो सकते हैं एक परिवार के, तो उनको 100 रुपए यहाँ पर प्रतिमा। तो फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर राशि प्रति माह है और यहाँ पर जो राशि है वो प्रति वर्ष है, यानी जो प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार भर रहे हैं 200 रुपए टोटल, 100 रुपए केंद्र का, 100 रुपए राज्य का, वो वर्ष में भर रहे हैं, एक वर्ष में 200 रुपए एक बार, और जो यहाँ पे छात्रवृत्ति मिल रही है 100 रुपए प्रति माह मिल रही है, हर महीने मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका आम आदमी बीमा योजना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन पूरा कंप्लीट कवर होता है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।